आज मैंने आपका गिफ्ट पहना है, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत 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 प्यारा लग रहा है। अच्छा मैसेज आना शुरू हो चुके हैं भाई, कहाँ हो तो भाई आप फटाफट से निकलते कहीं लेट ही ना हो जाए। भाई लुक एट द व्यू, क्या खूबसूरत मंजर है। डेढ़ घंटे के बाद भाई हमारा मील हमें सर्व हुआ, हमने कहा भाई सूख गए इंतजार में, खुदा के लिए लियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है फ्राइडे और आज पूरे दो दिन के बाद आप लोगों को कनेक्ट कर रही हूँ। भाई लास्ट टू डेज से मैं इतनी कोई डल चल रही हूँ, इतनी थकी हुई हूँ गाइस, मैं आपको बता सकती हूँ। सही है, और कल तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, बस थोड़ी थोड़ी देर में ना नैप ले रही थी, और जाहिर सी बात है कि एक नैप पूरा नहीं हो रहा था कि दूसरे काम का टाइम हो रहा था, तो बस इस तरह से जो है ना वो मेरा पूरा दिन गुजरे, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकी। लेकिन मैंने कहा चले आज आप लोगों से कनेक्ट करते हैं। सो भाई आज फ्राइडे माशाल्लाह से ठीक है, एक और फ्राइडे आ गया है रमज़ान का, और अभी फ़िलहाल जो है वो मैं सिपारा पढ़ के फारिग हुई, कुरान शरीफ मैंने स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कल से, ठीक है। और मैंने कहा भाई दुनिया के काम सारे हो रहे हैं तो ये काम भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कामों को जो ना करना पड़ता है वो होते ही नहीं है, तो मैंने कहा भाई इसके लिए तो हर हाल में आप टाइम निकालना है। तो आज जो है वो फटाफट सहरी करके, नमाज़ पढ़ के, किचन वगैरह साफ करके मैं फटाफट से बैठ गई कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। मैंने कहा दूसरे कामों में लगूंगी तो फिर ये निकल जाएगा, सही है। सो बस अभी फारिग हुई थी तो मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे देते हैं, ठीक है भाई। सो गाइस चले फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ऑफिस जाने की तैयारी पकड़ते हैं, सही है जी गाइस। सो भाई शावर लेके फारिग हो चुकी हूँ, लेकिन ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, और लेट तो हम हो गए लेकिन स्किन केयर किए बगैर ऑफिस जाना नहीं है, ठीक है। तो अभी फटाफट से ये अप्लाई करते हैं, दो मिनट का टाइम मुझे दें, जल्दी से मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ, फिर आप मुझे कनेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। 7:45 हो गए और मुझे इस टाइम पे निकलना होता है, लेकिन मैं अभी तक घर पर हूँ गाइस जी। गाइस तो भाई फाइनली निकल चुके हैं, और आज जो है ना फ्राइडे वाले दिन बैंक टाइम में सोते हैं सुबह 8:30 बजे से, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा एहतियात से निकलना पड़ता है, क्योंकि भाई लेट होने से ही लास्ट टाइम में हमारे बॉस ने जो ना हम लोग को मैसेज किया कि भाई कल फ्राइडे और कल सबने 8:30 बजे से पहले पहुँच जाना है, कहीं ये ना कुछ 9:30 बजे आ रहे हो, सही है। तो बड़ा रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई कल फ्राइडे याद रखना। और ये हमारी लिफ्ट मैडम अभी तक ग्राउंड में बैठी हुई है, महन ऊपर आ जाओ जल्दी से ना करो। फाइनली बैक फ्रॉम ऑफिस और जुमे की नमाज अदा कर ली है, सही है। सो मैंने कहा नमाज पढ़ के आप उसे करूँगी कनेक्ट। सो गाइज आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है भाई। भागते भागते मैं ऑफिस से घर आई, मैंने कहा फटाफट जाके कपड़े चेंज करने, ठीक है। और आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह न्यू ड्रेस पहनी है, ठीक है। हालांकि आज मैं ऑफिस से लेट निकली थी, लेकिन मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए मैंने नमाज घर जाके ही पढ़नी है, ठीक है। तो बस खैर जैसे तैसे भी अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया और वक्त पर नमाज अदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। सो आई एम हैप्पी, ठीक है। और आज जो मैंने सूट पहना हुआ ये बेसिकली है सैफायर का, ठीक है। और ये मुझे अम्मी ने गिफ्ट किया था, सो अम्मी से याद आया, अम्मी के पास चलते हैं और अम्मी को जुम्मा मुबारक कहते हैं, ठीक है। भाई अम्मी से पारा पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक कह दूंगी आप ये को। हाँ मैं लास्ट टाइम भी मैं आई थी, आप सो रही थी ना। सही सही। और बताएं अम्मी, रोज़ा ठीक गुजर रहा है, तबीयत ठीक है? ठीक है, बस आज तो थोड़ी वीकनेस हो रही है। चलें अभी आप रेस्ट ही कर रहे हैं आज? हाँ बस आज रेस्ट ही कर रही हूँ। आज मैंने आपका गिफ्ट पहना है, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत 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 प्यारा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, सही आया जी गाइस। सो भाई आज अफ्तार का सीन कुछ ये है कि आज हमारी पूरी ऑफिस की टीम जो है वो बेसिकली जा रही है अफ्तार पे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है वो सारे जो है वो जोहर की नमाज़ के लिए सब निकल गए थे, जाहिर सी बात है मैं भी घर आ गई थी। तो अब ये कि असर की नमाज़ पढ़ के मैं दोबारा जाऊँगी ऑफिस, ठीक है, क्योंकि हम लोग सब जो है वो ऑफिस में जमा होंगे और फिर वहाँ से हम लोग जो है वो सब एक साथ निकलेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास तकरीबन कोई 1.25 घंटा है, ठीक है। तो मेरे पास एक दो काम है वो करने, देन उसके बाद रेडी होकर फिर निकलेंगे तार के लिए, सही है गाइस। और थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लिप्स दिखा दूंगी, मैं शायद इतना प्रॉपर ब्लॉगिंग नहीं करूँगी वहाँ पे। चले जी गाइस कपड़े पता है मैंने चेंज कर लिया, मैं बेसिकली जाने लगी काम से थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो काम है मैंने का वो कर रहा हूँ। सो गाइस फिर मैं वहाँ से फारिग होके चली गई इम्तियाज़ कुछ अफ्तारी का सामान लेने के लिए, ठीक है। बड़े मज़े मज़े की चीज़ें लेके आऊँ, ये चिकन रोल है और व्हाट इज़ दिस सैलड है भाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेके आऊँ ज़्यादा जूस, और भाई इतने दिन हो गए अभी तक हमने ना वाटर मेलन नहीं खाया, तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें ले लेते हैं भाई। अब मैंने कहा मैंने तो जाना है अफ्तारी पे, अब बेचारी अम्मी क्या क्या काम करेंगी, सही। इसलिए मैंने कहा अम्मी को जो ना वो चीज़ें ला के दे देती हूँ, ताकि एटलीस्ट अम्मी भी चाहे जो ना आराम से आ सकून से रहें और मैं भी ज़रा सकून से ना अफ्तार पे जाऊँ, ठीक है। क्योंकि बाजी तो हमारी आती है बिल्कुल एंड टाइम पर, उस टाइम पर हम लोग अपनी पूरी अफ्तारी रेडी रखते हैं। सो आज है ना ऑल रेस्ट डे, सही है अम्मी। बस आज आपने कोई काम नहीं करना, आराम से नमाज़ पढ़ें और बस
अफतारी का इंतज़ार करें, ठीक है? और वसीम अदामी का शो देख लें आप बैठ के, ऐसा ही है। कुछ नहीं करिएगा बिल्कुल, बस यहीं पे बैठी रहें आराम से ना, टेबल सेट करवाइएगा बाजी से और रोज़ा खोलिएगा, सही है जी गाइस। तो भाई आई एम फाइनली रेडी टू गो, ठीक है भाई। और ये ड्रेस है पर्पल कलर का, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ठीक है। ये मैंने मुझे गिफ्ट किया था और इस साथ मेरा मैचिंग स्कार्फ मिल गया, सही है। सो भाई आई एम रेडी, मैसेज आना शुरू हो चुके हैं भाई, कहाँ हो कहाँ हो, तो भाई आप फटाफट से निकलते हैं, कहीं लेट ही ना हो जाए, ठीक है भाई आ जाए। भाई लुक एट द व्यू, क्या खूबसूरत मंजर है। जस्ट 5 मिनट्स बिफोर वी हैव रीच्ड, चलते हैं अंदर भाई। यहाँ आए हम लोग सज्जाद पे, जी गाइस। सो भाई जस्ट बैक होम, ठीक है भाई। और टाइम हो चुका हुआ है 10:30, घर आते 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 ये टाइम हो गया भाई। खैर ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस वहाँ अफ्तार पे जाने का, अगर तो मैं गैदरिंग की बात करूँ तो 10/10, ठीक है। आपस में हमने गपशप लगा के तो बहुत एंजॉय कर लिया, लेकिन वहाँ का मील बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, सही है। और वहाँ की सर्विस मुझे बहुत ज़्यादा पैथेटिक लगी भाई, सही है। हम लोगों को रोज़े के टाइम पर उन्होंने खजूर और शरबत दिया, दैन उसके बाद 1.5 घंटे के बाद भाई हमारा मील हमें सर्व हुआ। हमने कहा भाई सूख गए इंतजार में, खुदा के लिए लियो। सोचे हम एक खजूर और एक गिलास शरबत पी के हम बैठे हुए थे 1.5 घंटे के। खैर खाना इतना अच्छा नहीं था, बहुत एवरेज सा खाना था, ठीक है। तो खैर सबको इतना कोई खास मज़ा नहीं आया, बस सो एंड सो एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैं तो खैर कभी भी रिकमेंड ना करूँ वहाँ जाने के लिए, और मेरा ये पहले दफ़ा का जाने का एक्सपीरियंस हुआ है, मैं कभी वहाँ गई नहीं हूँ। और वो हाईवे में बिल्कुल एंड पे जाके उसका ये रेस्टोरेंट है, ठीक है गाइस, काफ़ी ज़्यादा आ गई। लेकिन खैर चले कोई बात नहीं, गैदरिंग हम लोगों को करनी थी तो वो हो गई है, और बस सही रहा भाई। घर की अफ्तारी इतनी याद आ रही थी ना, इतनी याद आ रही थी वहाँ पर रहने का यार। घर जाती सबसे पहले खाऊंगी चाट, ठीक है। आप लोगों को पता है मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, तो बस अभी कपड़े वगैरह चेंज किया और मैंने कहा भाई जो बचा कुचा है ना वो सब अभी मैं खाऊंगी। अफ्तारी में अफ्तारी ना होना तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। हमने तो वहाँ पे पूरा डिनर ही किया था ऑलमोस्ट, क्योंकि अफ्तारी की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हमें शरबत और खजूरें मिली थी, सही है गाइस। तो बस उसके बाद फिर हमने खाना ही खाया था। सो गाइस जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम ऑल द थिंग्स, ठीक है भाई। रात के 12:30 हो रहे हैं, घर वाले सब सो चुके हैं और आपकी बहन अभी तक जाग रही है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है भाई, सही है भाई, नमाज़ वगैरह पढ़ी, उसके बाद मैंने किचन वगैरह की सफाई की, क्योंकि मैं किचन जो है हमेशा साफ करके सोती हूँ, मुझे किचन गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैंने कहा भाई नहीं इसको करना है। सो खैर डन फ्रॉम किचन, और बस आज का ये था मेरा पूरा दिन, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया और आप लोगों ने देखा कितना हैपनिंग था। और जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें होती करने वाली। खैर आज जो है वो हमें अफ्तार पे भी जाना था, और ओवरऑल अफ्तार अच्छा रहा ना, मैं उसे अच्छा कहूँगी ना मैं उसे ज़्यादा बुरा कहूँगी, बस मिडवे था लेकिन बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, डेट्स मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो खैर आज के इस वाले ब्लॉग में भी यहाँ पे करने लगी हूँ, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। और अगर आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।